इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एस्थेलीन 100 मिलीसेंटीग्राम इन्हेलर को रिलीवर इन्हेलर्स कहा जाता है क्योंकि जब आपको आवश्यकता होती है तो यह सांस की समस्याओं से तुरंत राहत देता है। अधिकांश मामलों में आपको अपने लक्षणों को रोकने के लिए एक और इन्हेलर दिया जाएगा, एक प्रिवेंटर, और आपको हर दिन इसका उपयोग नियमित रूप से करना होगा। एस्थेलीन 100 मिलीसेंटीग्राम इन्हेलर तेजी से काम करता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रह सकता है। आप इसे दिन के किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आप खांसी, वीजिंग, सांस फूलना या छाती में जकड़न जैसे लक्षण देखते हैं या आप कोई ऐसी गतिविधि करने जा रहे हैं जिसमें आपकी सांस फूलने की संभावना है। डॉट व्हेन एन एस्मा अटैक हैपेंस यू शुड टेक द नंबर ऑफ पफ्स योर डॉक्टर रेकमेंड्स। इन्हेलर डिवाइस के कई प्रकार होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने इन्हेलर का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, अन्यथा हो सकता है कि ये काम न करें। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इस दवा का इस्तेमाल बंद न करें। अगर आप रुकते हैं तो आपकी सांस की समस्याएं और भी खराब हो सकती हैं। एस्थेलीन 100 मिलीसेंटीग्राम इन्हेलर आमतौर पर सुरक्षित और असरदार है, लेकिन इससे कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिनमें झटके लगना, सिरदर्द और तेज धड़कन शामिल हैं। ये साइड इफेक्ट अक्सर खतरनाक नहीं होते और धीरे धीरे सुधार होना चाहिए क्योंकि आपके शरीर को दवा की आदत हो जाती है। अन्य दुर्लभ साइड इफेक्ट हैं और अगर आपको सीने में दर्द, बहुत गंभीर सिर दर्द या बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, अतिसक्रिय थायराइड ग्रंथि, हृदय रोगों का इतिहास, डायबिटीज या ब्लड में पोटेशियम के कम स्तर जैसी कोई समस्या है तो एस्थेलीन 100 मिलीसेंटीग्राम इन्हेलर का उपयोग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आपके लिए सुरक्षित है। इसके अलावा अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस दवा के सेवन से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा से आपको चक्कर या कंपन महसूस हो सकता है, इसलिए जब तक आप ठीक ना हो जाएं ड्राइविंग उपकरण या मशीन का इस्तेमाल न करें। धूम्रपान से बचें क्योंकि यह आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। एस्थेलीन इन्हेलर के मुख्य इस्तेमाल। एस्थेलीन इन्हेलर के लाभ। एस्थेलीन 100 मिलीसेंटीग्राम इन्हेलर जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स आपके फेफड़ों की वायु नलिकाओं को खुला रखने में मदद करते हैं। वे इन एयरवे के मांसपेशियों को आराम देकर काम करते हैं। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। इससे आपको छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और खांसी जैसे लक्षणों से राहत मिलेगी और आपको अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद मिलेगी। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है, आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू करता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक रहता है। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। एस्थेलीन इन्हेलर के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। एस्थेलीन के सामान्य साइड इफेक्ट। तेज धड़कन, झटके लगना, सिर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ जाना, हृदय गति बढ़ना, मांसपेशियों में क्रैम्प। एस्थेलीन इन्हेलर का इस्तेमाल कैसे करें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। इन्हेलर को हिलाएं। जब आप मुंह से सांस ले रहे हैं इन्हेलर को नीचे से दबाएं जिससे एक बार दवा निकल जाती है और फिर 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक कर रखें। जब तक आप डॉक्टर द्वारा बताई गई संख्या तक पफ ना इन्हेल कर लें तब तक दोहराते रहें। उसके बाद पानी के साथ अच्छी तरह से कुल्ला करें और फिर पानी को थूक दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।